चाचड़ों में हुई दुष्कर्म घटना को लेकर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हमने परिजनों से मुलाकात की है। हमें विश्वास दिलाया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क निर्माण के लिए जूते छोड़ने पर कहा, जनता की तकलीफ को महसूस करने के लिए जूते छोड़े हैं। सड़क निर्माण में देरी के कारण लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ का एहसास मुझे भी होना चाहिए। कच्ची सड़क पर चलने में जनता को जो तकलीफ होती है, उस कंकड़ पत्थर का एहसास जब मुझे होगा, वो कंकड़ पर जब मेरे पैरों में चुभेंगे, वो गिट्टी जब मेरे पैरों में चुभेगी, तो मुझे याद आएगी उन सड़कों की, उन खराब सड़कों की हालत के बारे में। मैं अधिकारियों से बात करूंगा, समीक्षा करूंगा, निरीक्षण करूंगा, जो समय रिपीट है, जिससे जो काम 3 महीने के अंदर होने वाला है वो 2 महीने में हो जाए। इससे मेरे भगवान को जल्द ही से अच्छी सड़क पर चलने का काम हो जाएगा। निश्चित रूप से जो समाज विरोधी तत्व है, हमारी सरकार किसी भी बेटी की तरफ, किसी महिला की तरफ, किसी के साथ अन्याय और अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ पूरी तरह से सजग है। और आपने देखा होगा घटना घटी, मुलजिम गिरफ्तार हुए, उन मुलजिमों के घर नेस्तनाबूद किए गए और उनको संरक्षण देने वालों को भी डिमोरलाइज किया गया। सरकार समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ सशक्त से सशक्त कार्रवाई करती है और आगे भी जारी रहेगी, और ऐसे करने वाले लोग या ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ हम पूरी कड़ाई के साथ कार्रवाई करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर भी आज आपने बैठक ली, क्या कुछ निर्देश दिए? निश्चित रूप से आज मैंने पुलिस कंट्रोल रूम गुना में बैठक ली है और मैंने सशक्त निर्देश दिए कि हमारे जो खुले में जो पार्क हैं, जहां छात्राओं की कोचिंग लगती हैं, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर गश्त बढ़ाई जाए और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की। सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया है, उसके आधार पर देखा है कि जो घटनाएं घटती हैं, एक अच्छी व्यवस्था है, उससे मालूम पड़ता है अपराधी का चेहरा, गाड़ी का नंबर, इसको पकड़ने में, मुजरिम को पकड़ने में सुविधा मिलती है। और आप ये देखिए, निश्चित रूप से घटना बहुत घिनौनी है, इसकी निंदा करनी चाहिए, परंतु आप देखिए कि प्रशासन ने मुजरिम तत्परता के साथ, ये सजगता है के साथ अरेस्ट किए और उनके मकान नेस्तनाबूद किए हैं। यही माननीय शिवराज सिंह की सरकार में अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का बीड़ा है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं आलोचना पर आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता। एक संविधान में संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार अपना काम करती है, प्रदेश सरकार अपना काम करती है और नगर की सरकार अपना काम करती है। शुद्ध पीने को पानी का काम नगर सरकार का काम है, सफाई व्यवस्था का काम नगर सरकार का काम है, और उसके लिए फंड अगर कोई दिक्कत है, उसकी व्यवस्था कराना हमारी प्रदेश सरकार का काम है। और निश्चित रूप से वो फंड हमने रोडों के लिए उपलब्ध कराया है, मैंने उसका काम चल रहा है। जो विलम्ब हो रहा है और विलम्ब के कारण जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ का एहसास मुझे भी होना चाहिए, और जब वो तकलीफ का एहसास होगा, वो कंकड़ मेरे पैर में लगेगा, वो गिट्टी मेरे पैर में जब चुभेगी पैर के अंदर, तो मुझे याद आएगा उन रोडों की खराब हालत। मैं अधिकारियों से बात करूंगा, समीक्षा करूंगा, निरीक्षण करूंगा, जिससे जो काम 3 महीने के अंदर होने वाला है वो काम 2 महीने के अंदर हो जाएगा, जिससे मेरे भगवान को जल्दी से अच्छी सड़क पर चलने का काम हो जाए। ये केवल इसलिए तो नहीं क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस नगर सरकार में कांग्रेस का मुखिया है? मैंने कहा मैं आलोचना पर आलोचना विश्वास नहीं करता, मैं पार्टी के
मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम जनता को तकलीफ ना होने दें। जिस भाव से हम चुनाव के वक्त जाते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या 5 साल जनता हाथ जोड़े? क्या जनता के हम हाथ जोड़े? ये हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य को ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर ईमानदारी से कर रहा है। परिजनों से मुलाकात की है, परिजनों को भी बात हुई है और उनको ये विश्वास दिलाया है कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी और पूरी सरकार उनके साथ है, ये भरोसा हमने उनको दिया। एक सवाल और विपक्ष लगातार उठा रहा है, आपने जो आपके द्वारा जो चप्पल छोड़ी गई है कि एक सरकार के मंत्री को ही काम कराने के लिए इस तरीके का प्रदर्शन एक तरीके से करना पड़ रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं आलोचना पर आलोचना में विश्वास नहीं करता। एक संविधान में संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार अपना काम करती है, प्रदेश सरकार अपना काम करती है और नगर की सरकार अपना काम करती है। शुद्ध पीने को पानी का काम नगर सरकार का काम है, सफाई व्यवस्था का काम नगर सरकार का काम है और उसके लिए फंड अगर कोई दिक्कत है उसकी व्यवस्था कराना हमारी प्रदेश सरकार का काम है और निश्चित रूप से वो फंड हमने रोडों के लिए उपलब्ध कराया है। मैंने उसका काम चल रहा है, जो विलम्ब हो रहा है और विलम्ब के कारण जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उस तकलीफ का एहसास मुझे भी होना चाहिए और जब वो तकलीफ का एहसास होगा वो कंकड़ मेरे पैर में लगेगा, वो गिट्टी मेरे पैर में जब चुभेगी पैर के अंदर तो मुझे याद आएगा उन रोडों की खराब हालत। मैं अधिकारियों से बात करूंगा, समीक्षा करूंगा, निरीक्षण करूंगा, जिससे जो काम 3 महीने के अंदर होने वाला है वो काम 2 महीने के अंदर हो जाएगा, जिससे मेरे भगवान को जल्दी से अच्छी सड़क पर चलने का काम हो जाएगा।